नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा TCS डिजिटल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है 2021 पास आउट स्टूडेंट के लिए, इसी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट से इस साल में सोच रहा था कि TCS डिजिटल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कंडक्ट होगा कि नहीं, TCS NQT भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा भी कि नहीं। तो दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट को एक गुड न्यूज दे देता हूँ, अक्टूबर में TCS डिजिटल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन TCS ने जारी कर दिया है, जो कि TCS प्रीमियम कॉलेजेस होता है, उन सभी कॉलेजेस का जो TPO सेल होता है उसमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन TCS ने भेज दिया है। और जो जो स्टूडेंट TCS प्रीमियम कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता है या एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट को ऑलरेडी मेल रिसीव हो ही गया है। 3rd और 4th अक्टूबर को TCS डिजिटल का ऑन कैंपसिंग कंडक्ट होने वाला है TCS प्रीमियम कॉलेज के अंदर। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्या होगा TCS डिजिटल का रोल एंड पैकेज, क्या होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कितना तरीके से आप लोग TCS डिजिटल का अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा बहुत सारा चीजें हो सकता है आपको पता नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही आप लोगों को बता देते हैं TCS डिजिटल का रोल एंड पैकेज क्या होता है। अगर आप लोग TCS डिजिटल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको TCS के अंदर TCS इनोवेशन टीम के अंदर भेजा जाएगा, जो कि मैक्सिमम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसके अंदर होता है। इसके अंदर आप लोगों को जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में बहुत ही डिमांडेबल है, जैसे IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, NLP एक्सेट्रा, इन सभी टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आइए दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं इसका पैकेज क्या होगा। अगर आप BTech हो तो आपको 7 LPA का सैलरी पैकेज मिलता है। अगर आप MCA या MTech हो तो आपको 7.3 LPA का सैलरी पैकेज मिल जाएगा। आप लोगों को बता देते हैं कितने तरीके से TCS डिजिटल का ऑफर आप लोग ग्रैब कर सकते हो। तो इसका जो पहला तरीका है वो है, अगर आप TCS प्रीमियम कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हो, तो ऐसा बहुत सारा कॉलेजेस होता है जो TCS के साथ टाई अप करके रखता है, जिसके अंदर मास रिक्रूटिंग होता है TCS का। इन सभी कॉलेज में TCS ऑन कैंपसिंग में जाता है TCS डिजिटल प्रोफाइल के लिए। अगर आप लोग 2021 पास आउट स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, 3rd और 4th अक्टूबर में इसका रिक्रूटमेंट का जो ऑन कैंपसिंग है वो कंडक्ट होगा TCS प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को 2021 पास आउट होना है, मिनिमम 60% और 6 CGPA थ्रू आउट एकेडमिक्स। मतलब कि अगर आप BTech हो तो आपका 10th, 12th एंड BTech में 60% अबव मार्क्स रहना जरूरी है। अगर आप लोग MCA या MTech हो तो आपका ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री प्लस 10th और 12th, इन चारों में 60% अबव मार्क्स रहना मैंडेटरी है। देखिए, यहाँ पे बता दिया गया है, नो एक्टिव बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, अगर आप सक्सेसफुली TCS डिजिटल में सिलेक्टेड हो जाते हो और फाइनल ईयर में अगर आपका कोई बैकलॉग आ जाता है, अगर आप TCS का जब तक ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर नहीं आता है उसके अंदर अगर आपका बैकलॉग क्लियर हो जाता है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी से डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। आपका रिक्रूटमेंट या आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो वैलिड रहेगा। अब आप लोगों को बता देते हैं गैप ब्रेक इन एजुकेशन के बारे में। देखिए, TCS डिजिटल प्रोफाइल के लिए TCS 2 साल का एजुकेशनल ईयर गैप अलाउ करता है विथ वैलिड रीजन।
यहाँ पे आप लोगों को वैलिड रीजन दिखाना होगा। अगर आप ऐसे ही बैठ गए, कोई भी चीज नहीं किए, कोई भी सर्टिफिकेशन या कोई भी जो पार्ट टाइम कोर्स है ये नहीं किए, तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। अब कोर्स टाइप देखिए, आपका कोर्स फुल टाइम होना मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई भी पार्ट टाइम या अगर जो भी डिस्टेंस डिग्री है ये सब वैलिड नहीं है। अब आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन से स्ट्रीम टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल में एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एप्लॉयड इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए विद बीएससी बीसीए। दोस्तों एक चीज यहाँ पे गौर करना, जो भी एमसीए स्टूडेंट्स है वो या तो बीसीए कंप्लीट होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस विथ मैथ स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर मैथ और स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो वो सब एमसीए स्टूडेंट्स टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल में एलिजिबल नहीं है। एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, इन सभी स्टूडेंट्स भी टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल में एलिजिबल है। इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप टीसीएस प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर आते हो, इसके अंदर अपना एडुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको डबल चांस मिलता है टीसीएस डिजिटल में जाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर एक तो ऑन कैंपसिंग होता ही है टीसीएस डिजिटल का सेपरेटली, और आप लोग अगर टीसीएस एनक्यूटी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो उसके थ्रू भी आप लोग टीसीएस डिजिटल में एलिजिबल होते हो, या इसके अंदर दोबारा एक चांस मिलता है अप्लाई करने के लिए। अब आप लोगों को बता देते हैं दूसरा तरीका के बारे में, जो कि है टीसीएस कोडविटा। दोस्तों अगर आप टीसीएस कोडविटा का प्री क्वालिफायर राउंड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक इंटरव्यू कॉल मिलता है निंजा प्रोफाइल के लिए, जो कि 3.5 एलपीए का होता है। टीसीएस निंजा प्रोफाइल का जो इंटरव्यू होता है ये सक्सेसफुली अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप टीसीएस डिजिटल में जाना चाहते हो कि नहीं। अगर आप लोग टीसीएस निंजा से टीसीएस डिजिटल के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए टीसीएस डिजिटल का जो टेस्ट है ये भी क्वालिफाई करना होगा, और ये टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है फॉलोड बाय अ एचआर इंटरव्यू। अब आप लोगों को बता देते हैं लास्ट तरीका के बारे में, जो कि है टीसीएस एनक्यूटी। दोस्तों टीसीएस हर साल नेशनल क्वालिफायर टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, और अगर आप लोग सक्सेसफुली टीसीएस एनक्यूटी को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 3.5 एलपीए का सैलरी पैकेज मिल जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी के अंदर आप लोग अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो आपको यहाँ से भी टीसीएस डिजिटल के लिए कॉल मिलता है। अब डिस्कस कर लेते हैं टीसीएस डिजिटल का रिक्रूटमेंट पैटर्न के बारे में। यहाँ पे बेसिकली तीन राउंड होता है, टीसीएस डिजिटल ऑनलाइन टेस्ट जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट और थोड़ा कोडिंग क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, टेक्निकल इंटरव्यू और लास्ट में एचआर इंटरव्यू। देखिए दोस्तों यहाँ पे पैटर्न को थोड़ा देख लीजिए, देखिए इसका दो पार्ट होता है, पार्ट ए और बी। पार्ट ए में रहता है इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश के लिए आप लोगों को 10 मिनट का टाइम मिलेगा और क्वांटिटेटिव के लिए 40 मिनट। इंग्लिश पार्ट में आप लोगों को आंसर करना होगा 10 से 15 क्वेश्चन का, और क्वांटिटेटिव में आप लोग 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका पार्ट बी में आता है एडवांस कोडिंग, जो कि 60 मिनट का होता है और इसके अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। राउंड टू देखिए, टीसीएस डिजिटल टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू में आप लोगों से टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एसक्यूएल, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल एरिया लाइक बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों देखिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन सभी चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आप लोगों को टीसीएस डिजिटल का टेक्निकल राउंड में पूछा जाएगा, और लास्ट में होता है टीसीएस डिजिटल का एचआर इंटरव्यू। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मैं यूट्यूब पे नया हूँ, आप लोगों का हर एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही कीमती है,
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।